क्वेश्चन नंबर क्या है, किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? किसके अतिरिक्त, शारीरिक गठन के अतिरिक्त। दूसरा क्वेश्चन नंबर क्या है, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? तो किस में परिवर्तन समझने लगता है, द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र में जो है परिवर्तन समझने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास के परिप्रेक्ष्य में समय के साथ होने वाले परिवर्तन में निम्न में क्या शामिल है? रूप भी शामिल है, दर भी शामिल है, अनुक्रम भी शामिल है। क्वेश्चन हमारा क्या है, खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की आयु यानी टॉय एज किसको कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, संवेगी पेशी अवस्था होती है, तो 0 से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है उसको संवेगी पेशी अवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सबसे अच्छे तरीके से जो है विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व तो नहीं है? तो सामाजिक संचरण जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो किस एज में हो जाते हैं, किशोरावस्था में हो जाते हैं। क्वेश्चन हमारा है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? यह विचार जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई, यह किसके द्वारा जो है की गई है? तो पियाजे, जिन पियाजे साहब ने जो है बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं को जो है बताया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है? तो इन्होंने इस अवस्था को क्या कहा है, इन्होंने औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न कक्षाओं में खेल विधि आधारित है, तो खेल विधि किस पर आधारित है? विकास एवं वृद्धि के जो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो किस अवस्था में प्रारंभ कर देता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में जो है प्रारंभ कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? तो खेल नहीं है, भाषण खेल भी है, भाषण भी है, कहानी लेखन भी है। ऑप्शन नंबर डी के दिए हैं, निर्माण संबंधी क्रियाएं जो है नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है, यह अवस्था कौन सी होती है? 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक 13 वर्षीय बालक बात बात में अपने बड़ों से झगड़ा करने लगता है और हमेशा स्वयं को सही साबित करने की कोशिश करता है, वह विकास की कौन सी अवस्था है? यह विकास की जो है किशोरावस्था है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? तो खेलने की अवस्था जो होती है पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक विचारात्मक प्रक्रिया जिसमें नूतन वास्तविक तथा उपयोगी अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण निहित हो कही जाती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रचनात्मकता जो है कही जाती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु अस्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो किस अवस्था में करता है, पूर्व संक्रियात्मक चरण में जो है करने लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक बताती है, तो किससे बचाती है, लैंगिक पूर्वाग्रह से जो है बचाती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है लेकिन लीना जो है उसे उस पाठ को सीखने में ज़्यादा समय लेती है, यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है, व्यक्तिक सिद्धांत को जो है दर्शाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है,
एक व्यक्ति अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, इस विद्यार्थी को सहायता की आवश्यकता है। किस चीज़ की, कौन से क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है? इसको जो है भावात्मक क्षेत्र में सहायता की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुविध बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? इस योग्यता को हम लोग संज्ञानात्मक गतिविधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानवीय मूल्यों जो प्रकृति में सार्वत्रिक हैं के विकास का अर्थ है, इसके विकास का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति जो है इसके विकास का अर्थ है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जब एक विद्यार्थी असफल होता है तो समझा जाता है कि, क्या समझा जाता है? यह व्यक्तिक असफलता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध कौन संवेग से है? तो जिज्ञासा का संबंध किससे है? आश्चर्य से है। क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है, तो 100 शब्द जो है हो जाता है। क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है, तो किसमें अंतर नहीं निहित होती है? विचारात्मक प्रक्रिया में जो है अंतर्निहित होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं, क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? परिवेश का प्रभाव जो है कहते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण नहीं है? तो आयु जो है असतत चर का उदाहरण नहीं होता है। क्वेश्चन हमारा है, कक्षा नायक द्वारा प्रयुक्त मूल्यांकन का प्रकार अनुदेशन के समय सीखने के विकास में किया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग जो है फॉर्मेटिव मूल्यांकन कहते हैं। अगला हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? तो परिवार जो है करती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण है? तो परिवार का अपवातावरण है। क्वेश्चन हमारा है, आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है? तो आत्मसम्मान की भावना का लक्षण जो है किशोरावस्था में आने लगता है। क्वेश्चन हमारा है, बालक में तर्क की क्षमता विकसित करने के लिए आप क्या करेंगे? तो संदर्भ बदलते हुए जो है प्रश्न पूछेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है, तो उनमें जो है अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन हमारा है, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो इसमें है दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास करना। क्वेश्चन हमारा है, छात्र का वह सोपान जबकि यह सर्वाधिक रूप से संवेगों से घिरा रहता है, तो कौन सी एज में ऐसा होता है? किशोरावस्था में जो है होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों का सर्वाधिक उचित काल कौन सा होता है? जब वे विस्फोट और तनाव में होते हैं, तो यह काल जो है किशोरावस्था होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थिरत्व के विकास को समझने में सहायता की? तो जिन पियाजे साहब ने जो है की। अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उसके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो कौन सी दीर्घकालीन अध्ययन विधि को जो है लिया जाता है। क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है, तो वह क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा है, कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो कौन से में दिया गया है? मनोविश्लेषणवाद में जो है दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, प्राथमिक आवश्यकताओं को आवश्यकता से भी जाना जाता है, तो इसको जो है दैहिक आवश्यकता से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने प्रयोग किया? तो किसने प्रयोग किया?
टर्मन ने जो है प्रयोग किया। हमारा क्या है, बालक विकास का जिन पियाजे के सिद्धांत का आधार है तो संज्ञानात्मक विकास है। हमारा क्या है, प्रत्यक्षात्मक व संवेगी गति कामक दक्षता परीक्षण हेतु आरंभ में किसने विधि का निर्माण किया, तो किसने किया, मॉन्टेसरी ने जो है किया। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रियाएं और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो वह जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में करने लगता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है, तो कौन सहायता करता है, स्व अधिगम मॉडल जो है सहायता करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 150 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा, उसको जो है सामान्य बुद्धि में वर्गीकृत किया जाएगा।